हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 13 के वीक नंबर 3 के कुछ खास खास मुद्दे। और एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे लोग ये रहे इस वीक के बेस्ट कंटेस्टेंट, ये हैं टॉप 5, ये हैं टॉप 3। मैं यहां पर थोड़ा सा अलग काम करना चाहूंगा। मैं आपके सामने लाया हूं टॉप 6 वर्स्ट एंड फेक कंटेस्टेंट ऑफ दिस वीक। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में टॉप पर है तेजा। तेजा मैं हूं मार्केटर है। तेजा इतनी फेक और चालाक लोमड़ी है, मतलब पिछले वीक के पहले आई थिंक फर्स्ट वीकेंड का वार में सलमान खान ने तारीफ करी थी विशाल की टिप्पणियों की, जिस तरह कैमरे पर आप संवाददाता का रोल प्ले करते हो। और सलमान ने बोला कि विशाल और आप तेजा बहुत अच्छे लग रहे हो, तो तेजा चिपकी रही 2 वीक तक विशाल के साथ। सडनली फराह खान आकर के बोलती है कि करण तो नंबर 1 है, तेजा तो नंबर 2 है और विशाल तो नंबर 3 है। तो जिधर है ज्यादा वजन उधर पहुंच गई तेजा करने भजन। भजन मतलब संस्कारी भजन नहीं बे, वो राज कुंद्रा की पिक्चरों में जो कुंद्रू भजन होते हैं, उन कुंद्रू भजन का एक ऑडिशन दिया था इसने तेजा हब ने, जिसकी क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा ये सभ्य संस्कारी नारी किस लेवल की हैवी ड्राइवर है। यहां पर आप देख लीजिए कि सलमान खान और फराह खान काफी सार्कास्टिक अंदाज में ईशान और मायशा को बोल रहे थे, अबे 3 दिन में किसको प्यार होता है बे, अरे आउट ऑफ सिलेबस वो आ गई तेजा और 1 दिन में, मतलब इधर फराह खान ने रैंकिंग अनाउंस करी, अगले दिन तो ये प्यार की पींगे लड़ाने पहुंच गए। वर्स्ट कंटेस्टेंट एंड फेक कंटेस्टेंट की लिस्ट में फिर है विकास कोटियां, जो कि पिछले वीक तक चाणक्य नीति चल रहा था, मास्टरमाइंड बन रहा था, इसको मैंने भी मास्टरमाइंड बोला और यहां इस वीक मैं ही इसको नल्ला मास्टरमाइंड बोल रहा हूं। कैसे विशाल कोटियां का गेम ऑन द मूव गिरा है, मतलब पहले वीक काफी रॉकेट की तरह ऊपर गया और इस वीक एकदम पोपट की तरह नीचे गिरा। पोपट मतलब वो तोता नहीं, पोपट वो तारक मेहता जो सीरियल में पोपट डाले, बड़ी शादी के सपने देखता है लेकिन ओंधे मुंह गिर पड़ता है। इसका विशाल का तो बड़े तबीयत से मतलब कि गुर्दे छील दिए हैं अफसाना ने। जब अफसाना को इल्यूजन रूम के बाहर ये विशाल बहुत पंप कर रहा था, बटरिंग कर रहा था, मस्का पॉलिश कर रहा था, नहीं नहीं सभी अफसाना को जाने दो, अफसाना को जाने दो, हाँ अफसाना जाएगी, अफसाना जाएगी, अफसाना ने अंदर जाकर वही करा जो उसको एक्चुअली में करना चाहिए था, टेक्निकली एथिकली मॉरली जो उसको करना चाहिए था अफसाना ने वही करा। लेकिन बटरिंग काम न आने के बाद विशाल का जो कटा है उसके गुर्दे अब तक उस बात से छिले हुए हैं। अफसाना मुझे बहुत सही लगी है क्योंकि उसको पिछले भी काफी बैश किया गया, बहुत खरी खोटी सुनाई गई और वो भी विशाल की वजह से। विशाल ने इतना इंस्टिगेट करा, प्रोवोक करा और वही विशाल यहां पर अफसाना से बोलता है तूने मेरे को नॉमिनेट क्यों कर दिया। तो विशाल का दोगलापन इस वीक भर भर के निकल के आया है। पिछले वीक इसकी मास्टरमाइंड वाली बातें हमने हाईलाइट करी थी, इस वीक उसने उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं खुद दफन कर दिया। एक नंबर की चुगलखोर चाची बन, नहीं एक नंबर नहीं, चुगलखोर चाची का खिताब तो कुंद्रा बाबू को मिलेगा। वो पीठ पीछे कैसी बातें करते हैं और मुंह पर सबके अच्छे बेने फिरते हैं। तो यहाँ पर फेक कंटेस्टेंट की लिस्ट में कुंद्रा का नाम भी आता है, जो कि काफी समझदार, क्लासी, मेच्योर दिखता है। लेकिन बार बार कुंद्रा बाबू यहाँ WWE खेलने लगते हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ प्रतीक को उठाकर पटक दिया, बार बार हिंसा करना, बार बार लोगों को उठा उठा कर फेंकना, उनके ऊपर कूदना, ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं कि प्रतीक को उसने उठा के फेंका कोई पहली बार किया हो। हमने वो शुगर कैन वाली टास्क में देखा था, इसके बाद वो मैप लेके जा रहे थे तब इसने उसको निशान को गले से पकड़ के खींचा, प्रतीक को वहां पर भी पिन डाउन करने की कोशिश थी। तो कुंद्रा एक नहीं कई बार अपना वाइल्ड एंड जंगली साइड दिखा चुका है, लेकिन लोगों के सामने वो काफी क्लासी बनता है। एक मुखौटा लगा रखा उसने समझदार इंसान का, जो कि बार बार इस वीक हमने उतरते हुए देखा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा सलमान खान इस बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते, क्योंकि सलमान खान खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि ये शो बॉक्सर्स या बाउंसर्स के लिए नहीं है, ये शो दिमाग लगाने वाले लोगों के लिए है। खुद ये करण कुंद्रा प्रतीक को ब्रेनलेस बोल चुका है, लेकिन क्या खुद करण कुंद्रा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं? दिमाग का इस्तेमाल करने की वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जहां दिमाग लगाना होता है वहां वो बल का प्रयोग करते हमने देखा है। करण कुंद्रा के फैंस को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये एक सच है, करण कुंद्रा अगर MTV और कलर्स का फेस नहीं होता तो इसको कब का उठाकर बाहर फेंक दिया जाता, जैसे बिग बॉस OTT में जीशान को एक पुश के ऊपर निकाल दिया गया था। फेक कंटेस्टेंट की लिस्ट में फिर हम जय भानुशाली को रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो 5 लाख रुपए प्राइज मनी बचाने के चक्कर में आज रात को 25 लाख गंवा देंगे एकदम से, मतलब लौट के जिद्दी जय बुद्धू बन के घर को आया वाला मोड अपना लेंगे और कहीं ना कहीं खुद को बहुत महान दिखाने की एक्टिंग इन्होंने की है और उस एक्टिंग में वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं।
कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने एक दोगलापन भी दिखाया, करण को, विशाल को, शमिता को अलाउ कर दिया, प्रतीक को वो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसी वीक में कैप्टनसी टास्क में प्रतीक ने जय को कैप्टनसी की रेस से बाहर कर दिया था। वो टास्क के पहले ही वो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह छुपा ली थी और जय को मतलब वो चैरियट का व्हील ही नहीं बन पा रहा था, तो जय के गुर्दे उस दिन से छिले हुए थे। तो यहां पर क्या जय खुन्नस निकालने के लिए सिर्फ प्रतीक को टारगेट कर रहे थे? इस बारे में सलमान खान को सवाल जवाब करने चाहिए। लेकिन यहां पर जय ने खुद को एक नंबर का बेवकूफ इंसान साबित करा। जय के दिमाग में पता नहीं कौन सी ख्याली खिचड़ी पक रही थी, उसके ऊपर उसने एकदम सड़ा हुआ बासी रायता बनाकर पूरे घर में फैला दिया और आज रात के एपिसोड में वो उसी रायते को चाट चाट कर साफ करेगा। एक कंटेस्टेंट ऑफ द वीक की लिस्ट में प्रतीक का नाम भी आता है, क्योंकि प्रतीक यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से फेक विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वो पहले तो उंगली करता है, लोगों की टास्क खराब करता है, जब उसके ऊपर वो कर्मा घूम फिर के आता है तो वो रोने लगता है। बिग बॉस ओटीटी में जब प्रतीक ने एंट्री करी थी, मैं कर्मा मैं सबको जज करूंगा, कोई मुझे जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबको जज करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं से कुछ गलत को गलत, मैं कर्मा। लेकिन यहां पर कर्मा घूम फिर कर प्रतीक के ऊपर आ रहा है। ये प्रतीक और नेहा भसीन, जिन्होंने दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस ओटीटी में पटक दिया था, चाहे वो इंटेंशनली रहा हो या अनइंटेंशनली, इन दोनों यानी नेहा और प्रतीक ने मिलकर दिव्या को पिन डाउन करा था। अब यहां पर पिन डाउन करण ने कर दिया है प्रतीक को, तो अंदर प्रतीक और बाहर उसकी बहन बहुत ज्यादा रो रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, तमाम तरह से आर्गुमेंट और दलीलें अपने अपनी दे रहे हैं। लेकिन जब दिव्या अग्रवाल को इन प्रतीक और नेहा ने पिन डाउन करा था, तब तो ये प्रतीक की फैमिली और प्रतीक की फ्रेंड्स, अरे क्या हुआ, ज्यादा लगी थोड़ी है, अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो चलता रहता है, तो खेल इसमें होता रहता है। लेकिन वही लोग अब यहां कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे कर दिया। दो आई एम नॉट सपोर्टिंग और जस्टिफाइंग द एक्ट ऑफ करण कुंद्रा, करण कुंद्रा ने जो करा उसके लिए तो उसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन उसे नहीं फेंकेंगे क्योंकि वो इस सीजन का प्रोजेक्टेड विनर है, उसे साथ खून माफ है। लेकिन यहां पर एक हिपोक्रेसी निकल कर आ रही है प्रतीक की भी और प्रतीक की फैमिली और उसके फैंस की भी। अगर प्रतीक किसी की टास्क रद्द करे, प्रतीक किसी को पिन डाउन कर दे, प्रतीक किसी को मतलब टास्क ही ना करने दे, तो वो गेम है, वो लोन वॉरियर है। लेकिन वही चीजें घूम फिर कर प्रतीक के ऊपर आ जाए, तो अंदर प्रतीक भी आंसू बहाता घड़ियाली और बाहर उसके फैंस फैमिली भी एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते। तो ये पूरी तरह से फेक चीजें हैं। और फेक कंटेस्टेंट की लिस्ट में नाम आता शम्मोद शेट्टी का, खुद इन्होंने सबसे ज्यादा रूल तोड़े हैं और खुद जब ये निशांत ने इन्हें नॉमिनेट करा तो इनके गुर्दे बहुत ज्यादा छिल गए थे, लेकिन जब इल्यूजन रूम में गई तो ये मैडम खुद को महानता की मूर्त साबित करके आ गई। ये और करण कुंद्रा दोनों ही वहां पर बड़ा वाला ब्लंडर करके आ गए। सबको पता है कि इनकी MG कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम गारंटी है इनके पास, ये 10-12 वीक तक कहीं बाहर नहीं जाने वाले। ऐसे भी ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे कि देखो हम कितने महान हैं, हम दूसरों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप ये वो, अरे ये सब एक्टिंग थी साहब और कुछ नहीं था। क्योंकि ये शमिता और करण अपसेट थे कि निशांत ने इनका नाम कैसे ले लिया, ये नॉमिनेशन में क्यों चले गए, लेकिन इल्यूजन रूम में इन लोगों ने खुद को ही नॉमिनेट कर दिया, तो फिर निशांत के ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे थे ये लोग। तो ये कुछ फेक बातें हैं, दोगली बातें हैं और ये हिपोक्रेसी है इन तमाम लोगों की, जो इन लोगों को वर्स्ट एंड फेक कंटेस्टेंट ऑफ द वीक बनाती है। इस वीक की शुरुआत में हमने देखा वो कैप्टनसी टास्क जहां पर कि प्रतीक ने अपनी प्रतीकगिरी दिखाई थी और उसके बाद सडन एक डबल एलिमिनेशन होता है जहां पर सारे घर वाले भेड़ चाल में चल करके डोनल और विधि का नाम लेते हैं। हालांकि करण कुंद्रा एंड टीम कुछ और प्लान करती है, वो शायद प्रतीक और शमिता का नाम लेने वाले ही थे कि बिग बॉस ने वहां पर एक गेम खेल दिया। लेकिन यहां एक चीज मुझे उमर रियाज के बारे में कहनी है। उमर रियाज बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वहां पर जब वो नाम ले रहा था विधि और इसका डोनल का, उसने थोड़ा अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करी तो बिग बॉस ने उसको टोक दिया। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि बिग बॉस शमिता को टोके या बिग बॉस करण कुंद्रा को बोले कि तुम हिंसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, जब उमर रियाज को पता चल, क्योंकि उमर रियाज सबसे आई थिंक सबसे लास्ट में उमर रियाज ने ही नाम लिया था विधि और डोनाल्ड का, उसके पहले ही बहुमत आपसी सहमति सब बन चुकी थी। यहां पर उमर रियाज के पास एक मौका था खुद को भीड़ से अलग दिखाने का, वो चाहता तो अक्कासा या सिम्बा या प्रतीक या शमिता किसी का भी नाम लेता, लेकिन यहां पर उमर रियाज भी भेड़चाल का हिस्सा बन गया और डोनल और विधि का नाम लिया जो कि उसके सबसे ज्यादा क्लोज थे। यहां पर आई थिंक उमर रियाज को किसी और का नाम लेना था, अक्कासा या सिम्बा का नाम लेता या प्रतीक का नाम लेता तो आई थिंक ठीक लगता, क्योंकि उससे क्या होता कि पर्सनैलिटी निकल करके आती है, फिर आप क्या उन लोगों के लिए आप रो भी रहे हो और उन्हीं लोगों का आप नाम भी ले रहे हो, जो कि मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा। इसी दौरान बिग बॉस ने डाउनग्रेड कर दिया घरवासियों को, वो सब बन गए जंगलवासी। अच्छा, ये जंगलवासी, जंगल और ये कैसी थीम होने वाली है, इसके बारे में जब मैंने आई थिंक 25 सितंबर को वीडियो डाला था कि कैसे थीम होगी और कैसे हर सीजन में ये लोग एक थीम का एक हाइप क्रिएट करते हैं, ये होगा वो होगा, और कुछ ही दिनों में वो थीम औंधे मुंह गिर जाती है।
जैसे बिग बॉस 15 की जंगल थीम आज रात के एपिसोड में एकदम भर भरा के गिर पड़ेगी, क्योंकि बिग बॉस खुद ही कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे। कभी बोलते हैं कि जंगलवासी नॉमिनेट हो जाएंगे, घरवासी सेफ रहेंगे, फिर घरवासियों को जंगलवासी बना देता है, फिर बोलता है मैप ढूंढो, पानी में कूद के सब मैप वगैरह ढूंढते हैं, वॉशरूम में जाकर के उसको सिलते हैं, फिर घरवासी और जंगलवासियों के बीच में रॉयल रंबल करा दिया जाता है, दंगल करा दिया जाता है मैप के लिए। और अब हम देखेंगे कि किसी मैप की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप 25 लाख का दाव खेलो और सारे जंगलवासी घरवासी बन जाओ। ये चीज तो इनको करनी ही थी, लेकिन यहां इतना ही ये ड्रामा कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, कुछ नहीं, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बनाकर इन्होंने ये जंगल वाली हाइप का कुनवा जोड़ा, जो कि डे 1 से ही लग रहा था कि फ्लॉप होगा। और यहां पर ये पूरी तरह से ये जो थीम है ये बैकफायर कर गई है बिग बॉस के हर सीजन की तरह। कभी पड़ोसी थीम, कभी विचित्र जोड़ियां, कभी ये, कभी डेविल एंजल, हर सीजन में ये लोग थीम लाके आते हैं, 3-4 वीक वो थीम चलती है, उसके बाद वो थीम ऑन द मूव गिर पड़ती है। और आज रात के एपिसोड में आपको वो देखने को फिर मिल जाएगा। आज रात के एपिसोड में जाएगा दोगलापन भी देखने को मिल जाएगा। 5 लाख के लिए सर मना कर रहे थे, लेकिन 25 लाख के लिए इनके उसूल, परंपरा, प्रतिष्ठा, ये वो सब साइड में रह जाएगा। तो जय भानुशाली भयंकर लेवल का फेक कंटेस्टेंट, कहीं ना कहीं वो खुद को भीड़ से अलग दिखाना चाहता था। इस कोशिश के तहत उसने वहां पर 5 लाख प्राइज मनी, ये वो बड़ी बड़ी बातें करी, इवेंचुअली वो वड़ा पाव ही खा जाएंगे आज रात एपिसोड में। तो ये तमाम चीजें रही हैं इस वीक के मुख्य मुख्य मुद्दे। अब वीकेंड पर क्या होना चाहिए, वीकेंड पर करण कुंद्रा की तबीयत से बैशिंग होनी चाहिए, तेजस्वी से सवाल जवाब होने चाहिए। तेजस्वी और शमिता, तुम तो भयंकर लेवल की दोगली चुड़ैलो हो बे, तुमको उमर का एग्रेशन दिखता है टास्क में, लेकिन करण कुंद्रा के तुम सस्ती वकील बन गई हो। तेजस्वी, तुमको उसका एग्रेशन वो डिफेंस लगता है, सेल्फ डिफेंस लगता है। तेजस्वी तो ये भी कह रहे थे कि ये शो टास्क का और रूल्स का नहीं है, ये शो तो रिलेशनशिप का है। तो यहां पर सलमान खान को बिंदास अंदाज में तेजस्वी से पूछना चाहिए, तेजस्वी आपने कहा ये शो न टास्क का है, न रूल्स का है, रिलेशनशिप का है, तो क्या आप यहां बिग बॉस खेलने आई हो, यहां लव स्कूल या फिर स्प्लिट्स वाला खेलने आई हो? क्योंकि बिग बॉस में तो रूल्स और टास्क होते हैं, और अगर आपको रिलेशंस बनाने हैं तो फिर किसी और शो में आपको चला जाना चाहिए था। शमिता से भी पूछा जाना चाहिए कि शमिता आपको उम्र से इतनी ज्यादा क्यों आपकी फटके चार हो जाती है, जब भी कहीं देखिए आप उम्र की चुगलियां ही करती कि आपको उम्र पर ट्रस्ट नहीं है, उम्र एग्रेसिव है, लेकिन प्रतीक के एग्रेशन को आप जस्टिफाई करती हो, करण कुंद्रा का एग्रेशन आपको सही लगता है, लेकिन आपको उम्र से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? उम्र आपका कुछ लेके चला गया कि उम्र के पास आपकी जीजा की कुछ लिंक्स हैं, जिसलिए आप उम्र को कहीं ना कहीं टारगेट करती हो, चाहे नॉमिनेशन हो या कुछ भी चीज हो। वहीं मैं समझ रहा हूं कि सलमान खान को अफसाना को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अफसाना की पिछले वीक बहुत तबीयत से उन्होंने बैशिंग की, लेकिन अफसाना ने इस वीक काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है। और आज रात के एपिसोड में तो बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे यार कि अफसाना कैसे टास्क कर पाएगी, क्योंकि उमर अकेला ना पड़ जाए, अफसाना उसको ले ना डूबे, लेकिन आज उमर और अफसाना दोनों ही सबको सरप्राइज करके मुख्य घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो अफसाना और उमर दोनों ही काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, स्पेशली अफसाना ने। उमर अभी करण का साइड किक होकर रह गया, करण की बहुत ज्यादा वो एकदम से कहा जाता है फॉलोअर बन के रह गया है, उसकी खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब ये डबल एलिमिनेशन की बात चल रही थी, आपसी सहमति, वहां पर उमर को अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, ना कि एक अंधी भेड़ चाल में वो चल पड़ता, लेकिन इवेंचुअली वो अंधी भेड़ चाल में ही चल पड़ा। हालांकि उमर को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है करण कुंद्रा से, क्योंकि करण कुंद्रा का असली चेहरा धीरे धीरे हर एपिसोड में निकल रहा है और वो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले कि वो उमर का पत्ता काट दे, उमर को खुद का गेम नेक्स्ट लेवल पर लाना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर तो वैसे सिम्बा, ईशान, मायशा इनके लिए हो चुकी है एलिमिनेशन में, नॉमिनेशन में ये लोग आ चुके हैं, बट आई थिंक इस वीक चूंकि ऑलरेडी 2 लोग बाहर जा चुके हैं तो कोई फर्दर एलिमिनेशन होगा नहीं। एलिमिनेशन के बजाय इस वीक हमें वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं। अब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी और करवा चौथ का टाइम रहेगा, तो क्या पता भाई फन एक्टिविटीज करा दी जाएं और खाम खाम में मतलब टाइम पास करके पूरा एपिसोड खत्म कर दिया जाए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेन मुद्दे वगैरह शायद हाईलाइट ना किए जाएं, ये हिंसा हो रही है, रूल्स तोड़े जा रहे हैं, ये चीज़ें नॉन कलर फेस करते तो शायद सलमान खान तबीयत से बैश करते, लेकिन अब हिंसा का प्रयोग इस सीजन का प्रोजेक्टेड विनर कर रहा है तो शायद कुछ भी ना बोला जाए, बस हल्का फुल्का बात करके, वो जैसे पिछले वीक बॉक्सिंग कुल्हाड़ी वगैरह लाके रख दी थी और ये बोल दिया गया था कि ये शो तो बाउंसर्स का नहीं है, फाइटर्स का नहीं है, इस तरह की बातें करके यहाँ पर एपिसोड खत्म कर दिया जाएगा वीकेंड का वार का, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और ये जो मैंने टॉप 5-6 लोग जो इस वीक के वर्स्ट एंड फेक कंटेस्टेंट हैं, आप इन बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।